हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी बुटीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे डिजाइनर स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये डिजाइन स्लीव्स बनाने के लिए पहले हम स्लीव्स को नॉर्मल तरीके से कटिंग कर लेंगे। जितनी भी स्लीव्स की आपको लेंथ रखनी है उतना ही। हमारे स्लीव्स की लेंथ जो है वो है 16 है। इन स्लीव्स की लेंथ 14 है। 2 इंच हमने इसमें मार्जिन लिया है, तो जितनी भी आपको स्लीव्स रखनी है उससे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो हमारे स्लीव्स की लेंथ 14 है और हमने यहाँ पे 16 लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। ये एल्बो तक है हमारे स्लीव्स। आपको जितनी भी स्लीव्स लॉन्ग बनाने हैं आप उतनी लंबी लेंथ रख लेंगे। तो स्लीव्स का डिजाइन बनाने के लिए हम पेपर पेस्टिंग लेंगे या बुकरम भी ले सकते हो आप, जिसको हम कैनवास बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग ली हुई है। तो जितनी हमारे स्लीव्स की लेंथ होगी इसमें 2 इंच तो हमारा जो मार्जिन लिया वो लेस हो जाएगा, यानी 14 में भी हम 3 इंच लेस करके हमारे स्लीव्स की जो डिजाइन है वो बनाएंगे। यानी 14 इंच अगर हम 3 इंच लेस करते हैं तो 11 इंच बचता है। 11 पहले हम 1 इंच का निशान ऊपर छोड़ेंगे पेपर पेस्टिंग में, देन हम 11 इंच का निशान लगाएंगे और 1 इंच नीचे भी छोड़ देंगे। तो अब हम हमारे डिजाइन का नाप निशान लगाएंगे। हम यहाँ पे भी 1-1 इंच का निशान लगा लेंगे पूरे में। ठीक है, हम इसको सीधा इंट्रो कर लेंगे। ये जो हमारा वो 1 इंच एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, देखिए ऊपर से इसको हल्का सा ऐसे राउंड करेंगे और ऐसा ही हम इस साइड भी करेंगे ऐसे। तो देखिए इसको मैं अब इसके बाहर से हम एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमें जैसे हमारे नेक को पलटते हैं यानी फेसिंग करते से हम नेक को बनाते हैं, उसी तरह से हमें हमारे स्लीव्स में बनानी होगी। तो देखिए हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमें ऐसे 2 कट करने होंगे। अभी हम एक और कट करेंगे क्योंकि एक ही स्लीव्स का हुआ है, तो अभी हमें एक बार और कटिंग करना है इसको ऐसे ही। अब देखिए हम इसको अंदर वाले पार्ट को हम ऐसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा बन कटिंग होकर ऐसा होगा। ऐसे हमारे हम दूसरे पार्ट का कटिंग कर लेंगे, इसी को रख कर हम हमारे दूसरे कटिंग करेंगे। तो देखिए हम इसी को रख के ऐसे हमारे दूसरे स्लीव का मेजरमेंट लगा लेंगे। और देखिए हमने निशान्स को ड्रॉ कर लिए और इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। अब हम इसको हम हमारे इस कपड़े पे चिपका लेंगे। हम इसको पिंक कलर के कपड़े पे इसलिए चिपका रहे हैं क्योंकि हमें पिंक कलर की पाइपिंग देनी है। आपको जिस भी कलर की पाइपिंग देनी हो आप उसी कलर पर चिपकाएंगे, लेकिन पाइपिंग हम अलग कलर की देते हैं क्योंकि सेम कलर की पाइपिंग कभी भी नहीं देते हैं, क्योंकि अगर सेम कलर की पाइपिंग हम देंगे तो नज़र नहीं आएगी। इसीलिए मैं यहाँ पे पिंक कलर की पाइपिंग दे रही हूँ येल्लो के साथ। आपको जो भी कलर की पाइपिंग आपका जिसके साथ देनी हो आप वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे येल्लो के साथ पिंक पाइपिंग दे रही हूँ, इसलिए मैं इसको पिंक कलर के कपड़े पे चिपका रही हूँ। ऐसे में यहाँ पे दोनों को चिपका लोगे। ये देखिए हमने इसको चिपका लिया है। इसके बाहर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट कर दिया है, 1/2 इंच फैब्रिक रखा है। अब इसको हम ऐसे कपड़े को फोल्ड कर देंगे। इस पर हमने धागा मैचिंग नहीं लगाया हुआ है क्योंकि ये वैसे भी अंदर जाएगा, तो इसमें धागे मैचिंग नहीं होगा तब भी हमारा प्रॉब्लम नहीं करेगा ये। तो देखिए हमने इसको 4 साइड फोल्ड कर लिया है। तो इसके ये हमें पता चल रहा है कि हमारा मिडिल पॉइंट ये है क्योंकि इसके दोनों साइड ही कोने बने हुए हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा इसका मिड पॉइंट ये रहेगा। अब इसको हमारे स्लीव्स के स्लीव्स पे रखेंगे। तो देखिए हमारे स्लीव्स के मिडिल पॉइंट भी हम कट कर लेंगे, जिससे हमें पता रहेगा कि हमारा स्लीव्स का मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे, ऊपर से हल्का सा हम छोड़ देंगे और फिर नीचे से छोड़ देंगे क्योंकि नीचे से थोड़ा फोल्डिंग में जाएगा। तो स्लीव्स को हम ऐसे रख लेंगे इस पर। तो
स्लीव्स को हम कपड़े के सीधी साइड रखेंगे, हमारे स्लीव्स पे सीधी साइड रखेंगे और इसके बीचों बीच हम सिलाई लगा लेंगे। पहले हम इसके बीचों से बीच से एक सिलाई लगा लेंगे क्योंकि जिससे हमारी स्लीव वहीं पे रुक जाएगी, हिलने का डर नहीं रहेगा। आप चाहें तो साथ में इसके पिंस भी लगा सकते हैं क्योंकि उससे भी रुक जाएगा ये। अब जो हम सिलाई लगाएंगे इसके चारों साइड, वो हम हल्का हल्का हमारी पेपर पेस्टिंग के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैं हल्का हल्का पेपर पेस्टिंग के ऊपर से लगा रही हूँ। हाफ इंच से भी कम ही लगाना है ये, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर लगाना क्योंकि हमें पाइपिंग निकालनी पड़ेगी, इसीलिए हम इसके ऊपर से लगा रहे हैं। अब देखिए हम जो हमारे फैब्रिक है इसको बीच से कट कर देंगे, तो बीच से पकड़ेंगे। पहले हम इसको बीचों बीच कट कर लेंगे और फिर अब इसको हम बिल्कुल कॉर्नर से कट कर देंगे जहां से हमारी पेपर पेस्टिंग है। ये देखो इसको कट कर लिया है। अब इसको हम ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। जब इसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो ये हमारा, इसको हम ऐसे बाहर की तरफ रखेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे। जो हमने पेस्टिंग के ऊपर से सिलाई लगाई थी हाफ इंच, वो अपने आप ही हमारा बाहर की साइड फोल्ड होने लग जाएगा जिससे हमारी पाइपिंग निकलेगी हाफ इंच की। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए इसके ऊपर से मैं आपसे टॉप स्लाइस ला देंगे। ऐसे टॉप स्लाइस हम इसको चारों तरफ से ला लेंगे। तो ये देखिए हमारी पाइपिंग निकल के आ रही है और ये जो पिंक कपड़ा था वो अंदर की साइड जा जाएगा, बाहर से हमारी थोड़ी सी पाइपिंग नजर आएगी। तो हम पतली डोरी बना के उसको पलट लेंगे और ये 4-4 इंच की डोरी को हम कट कर लेंगे। ये देखिए तो हमने तीन पार्ट लिए क्योंकि एक स्लीव में तीन कट, तीन बटन्स लगाएंगे, तीन लुकें लगाएंगे। तो अगर आपको डोरी बनाना देखना है तो आप हमारी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, डोरी बनाने के लिंक वीडियो में डाली हुई है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो डोरी का मेजरमेंट हमें कैसे लगाना है वो दिखाते हैं। और देखिए हमारे 12 इंच है टोटल, जो मार्जिन है वो 12 इंच का है, यानी हमें इसमें तीन डोरियाँ लगानी है। तो ऊपर से हम 3 इंच छोड़ देंगे, तो पहला निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे, दूसरा निशान भी हम यहाँ से 3 इंच पे लगाएंगे। जो जितनी भी आपको डोरियाँ लगानी है आप उतने में ही इसको डिवाइड कर लीजिए और इक्वल इंच इक्वल करके इक्वल गैप पे हमें डोरियाँ लगानी है। तो देखिए तो इसमें हम लुक लगा देते हैं। तो देखिए हम डोरी को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और हमारे पहले निशान पे रखेंगे ऐसे करके। हमारे दूसरी डोरी को लेंगे, हमारे से दूसरे निशान पर हम रखेंगे और से टेस्ट कर देंगे। और ऐसे हमारे तीसरी डोरी को भी हमारे निशान पे पक्के टेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें सिलाइयाँ थोड़ी पक्की रखनी है। ये देखिए ये हमने तीन लुपियाँ लगा ली है, यानी हमारी डोरी में हम तीन बटन लगाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे ये ऐसे बटन्स लगा लेंगे और फिर ये जब डोरी पूरी डिजाइन बन जाएगा, जब हम बटन्स को अटैच कर लेंगे तो ये डोरी यहाँ पे ऐसे अटैच करेगा डिजाइन को ऐसे। तो ये तीनों बटन हम यहाँ पे लगा लेंगे और ऐसे हमारी डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।